कंप्लेंट लेने का, लोगों से ये पता करने का, आपकी अगर कोई समस्या है तो इस पर भर दीजिए। आज से ही घर घर जाकर इस फॉर्म को भरवाएंगे। अरविंद केजरीवाल जी पहले अपने घर को बचा लें, दूसरों के घर के बारे में टिप्पणी करना इसको उन्हें बंद कर देना चाहिए। जो डिपार्टमेंट आतिशी मार्लेना जी के पास पहले थे वही आज है। इस समय हमारे साथ बीजेपी की ओर से राजकुमार आनंद जी मौजूद हैं। सर, आज जिस तरह से भाजपा द्वारा ये अभियान शुरू किया गया, क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, ये जो अभियान है ये कंप्लेंट लेने का, लोगों से ये पता करने का, आपकी अगर कोई समस्या है तो इस पर भर दीजिए। और इसका आप पूछेंगे कि राजनीतिक समय, ये राजनीतिक समय बिल्कुल नहीं है, क्योंकि सदन लगने वाला है 26-27 तारीख को, तो हम 25 तारीख तक आज से ही घर घर जाकर इस फॉर्म को भरवाएंगे। और 25 तारीख को हमारा महा जो सम्मेलन है सदस्यता का, उसमें भी जो लोग जाएंगे वो इनको भरवाएंगे। सर, कल आम आदमी पार्टी द्वारा जनता दरबार लगाया गया, उसमें तमाम मुद्दों पर बात की गई और बताया गया साफ तौर पर कि आम आदमी पार्टी द्वारा केंद्र को घेरा गया है, इसको लेकर क्या कहेंगे? अरविंद केजरीवाल जी पहले अपने घर को बचा लें, अब दूसरों के घर में ताक झांक करना, दूसरों के घर के बारे में टिप्पणी करना इसको उन्हें बंद कर देना चाहिए, क्योंकि उनको बड़ा आसान लग रहा है ये वाला चुनाव, उतना आसान उनके लिए है। सर, जिस तरह से मुख्यमंत्री पद पे जो इसमें बदलाव हमें देखने को मिले, आतिशी जी नए मुख्यमंत्री दिल्ली के बने, क्या इसका असर सीधा हमें आम आदमी विधानसभा चुनाव पर देखने को मिल सकता है? इसका कोई असर नहीं दिखने को मिल सकता, क्योंकि जो पोर्टफोलियो, जो डिपार्टमेंट आतिशी मार्लेना जी के पास पहले थे वही आज है, जो डिपार्टमेंट बाकी मंत्रियों के पास थे वही आज है। और वो मंत्री पहले से आपको पता है, अच्छी तरह से पूरी दिल्ली को पता है कि वो मंत्री फेल हो चुके हैं, वो मंत्री काम नहीं कर रहे। तो अगर उनको लगना चाहिए तो ये था कि सरकार को बैठ के ये फैसला करना चाहिए कि पीडब्ल्यूडी में तुम उतना अच्छा नहीं कर पाए तो आप शायद बेटर कर पाओगे, आप ट्राई करो, आपके पास ज्यादा डिपार्टमेंट है, आप थोड़े से डिपार्टमेंट ले लो, ट्राई करो। लेकिन वो सब नहीं होता, सब कुछ फिक्स है। आपने किस तरह से बातचीत के दौरान राजकुमार आनंद ने तमाम बातें रखी, बताया किस तरह से जो बीजेपी द्वारा एक नया अभियान चालू किया गया है, उस अभियान की शुरुआत होते ही उसमें कंप्लेन का एक फॉर्म दिया गया है जनता को, जिसके तहत जनता की जो समस्याएं हैं वो भाजपा तक पहुंचा सकते हैं, और जो दिक्कतें इस समय आम आदमी पार्टी की सरकार में उनको फेस करनी पड़ रही है उसको लेकर भी, उन दिक्कतों को लेकर बड़े और सख्त कदम उठाए जा सकते हैं। अगर हम बात कल आम आदमी पार्टी के लगाए हुए जनता दरबार करते, उसको लेकर भी राजकुमार आनंद ने तमाम बातें रखी, बताया किस तरह से जो पूरा ही उनका आम आदमी पार्टी का जो पर जनता दरबार था उसमें मुद्दों पे बात बेशक से की गई, लेकिन ये बताया जा रहा है कि बीजेपी द्वारा इन पूरे जनता दरबारों को इस समय जो है ज्यादा महत्वपूर्ण राय नहीं दी जा रही है। आपके इस पर मामले पर क्या सोचना है हमें जरूर बताए। तब तक बंदी हमारे साथ पंजाब केसरी में कैमरा पर्सन खुशाना पंजाब केसरी देते हैं।